हे गाइस, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुंथर एंड रैंडी ऑर्टन के मैच से, और गाइस हमारे कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन एंड कैमरून का सेम पेज पे आ जाएंगे आफ्टर बैश इन बर्लिन। और गाइस हमारे रोमन रेंज को ऑफिशियली फीचर कर दिया गया है पोस्टर पे, तो ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी अपडेट मेरे चैनल पर मिस ना कर सको। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे रोमन रेंज से। रोमन रेंज को ऑफिशियली स्मैकडाउन के पोस्टर पर डाल दिया गया है। राइट नाउ रोमन रेंज स्मैकडाउन पोस्टर, आपको पता है पोस्टर पर डाल देते हैं ना, तो रोमन रेंज को फीचर कर दिया गया है स्मैकडाउन के पोस्टर पर। राइट नाउ रोमन रेंज स्मैकडाउन के पोस्टर पे हैं। एंड गाइस एक यूज़र ने मतलब लिखा कि हिंट दिया, जब क्राउन जूल में लोगन पॉल को हरा, जब रोमन रेंज हरा के जा रहे थे लोगन पॉल को, तब उन्होंने एक चीज़ नोटिस की बहुत अजीब सी। जब वो उला फाला माला सोलोस को आगे हाथ में होती है, एंड सोलोस का उस उला माला माला को हाथ में ले लेते हैं, एंड गाइस वो लेके जा रहे होते हैं, एंड इससे ये पता चल रहा था कि बहुत पहले ईस्टर एग दे दिया गया था कि सोलोस का नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनने वाले। तो गाइस ईस्टर एग तो बहुत पहले ही दे दिया गया था डब्ल्यूई में, जो ये ईस्टर एग बहुत पहले बता दिया गया था ये होने वाला है, ट्राइबल चीफ हमारे सोलो स्क्वा बनने वाले हैं। एंड सोलो स्क्वा को जब ट्राइबल लेयर बनाया गया, उसके बाद ट्राइबल चीफ बना दिया गया, और ये पहले ही चीज़ पता चल चुकी थी कि सोल स्क्वा इज़ अ न्यू ट्राइबल चीफ, उसके जगह कोई और ट्राइबल चीफ नहीं बन सकता। तो ये चीज़ डब्ल्यू ने पहले ही कर दी थी डब्ल्यू की ऑफिशियली। तो अब देखो बैड ब्लड में मैच होगा तो क्या होता है, किस लेवल तक जाती है ये चीज़ें, और गाइस किस लेवल तक ये हायर अप जाने वाली स्टोरी है, आप सोच के इमेजिन करके देखो। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे गाइस मार्क हेनरी से। मार्क हेनरी ने ज़िला फाटू के बारे में ये कहा कि ज़िला फाटू आएंगे बहुत जल्दी, जेको फाटू की तरह नहीं कि आएंगे और बहुत जल्दी मतलब अंदर ही नहीं आएंगे, तो गाइस ज़िला फाटू बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो स्टोरी लाइन की थर्ड किस्त स्टार्ट हुई है, तो गाइस फोर्थ किस्त आएगी, तो गाइस उसमें ज़िला फाटू आएंगे। सबसे पहले तो ज़िला फाटू का डेब्यू बहुत ख़तरनाक होने वाला है, ज़िला फाटू जेकब फाटू की तरह है, एंड बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे ज़िला फाटू डब्ल्यू में। और देखो डब्ल्यू में किस लेवल तक जाते हैं ज़िला फाटू, बिकॉज ऑफ रीज़न ज़िला फाटू भी जेकब फाटू का बहुत टैलेंटेड है। एंड गाइस समर स्लैम में आपको देखने को मिले थे डब्ल्यू की मतलब बैठे हुए थे ऑडियंस में, और ज़िला फाटू तो कंफर्म है यार आएंगे आएंगे, बिकॉज ज़िला फाटू की स्टोरी लाइन चलेगी, ब्लड लाइन हर मेंबर की स्टोरी लाइन चलेगी डब्ल्यू में। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है बियंका प्ले से। बियंका प्ले ने रिया रिप्ली को चैलेंज किया कि मेरा मैच रिया रिप्ली के साथ होना चाहिए, लेकिन ये मैच रसलमेनिया में होना चाहिए, ये बड़े लेवल का मैच है जो रसलमेनिया में डिजर्व करता है, रसलमेनिया को डिजर्व करने वाला मैच है, तो देखो कैसे इनका मैच होता है या नहीं। बाकी रिया रिप्ली राइट नाउ बिजी इन जजमेंट डे स्टोरी लाइन। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे गाइस कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रैंडी ऑर्टन ने कहा कि 4 साल से मैंने मेन इवेंट नहीं किया डब्ल्यू को, एंड बैश इन बर्लिन में मुझे मेन इवेंट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये चीज़ कही, एंड कोडी रोड्स भी आपको पता है टॉप चैंपियन है, तो क्या पता कोडी रोड्स भी मेन इवेंट कर सके, लेकिन माना जा रहा है कि कोडी रोड्स मेन इवेंट कर सकते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन कहते हैं मुझे करना चाहिए। एंड सेकंड ऑफ ऑल स्टोरी लाइन में ये ट्विस्ट आ सकता है कि आफ्टर रैंडी ऑर्टन जीत तो सकते नहीं, आपको करिश्मा होगा तभी जीतेंगे। तो गाइज अगर रैंडी ऑर्टन हारते हैं उसके बाद फिर से वो सेम पेज पर आ जाएंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए यूनिवर्सल, केविन ओवंस भी सेम पेज पे आ जाएंगे, और गाइस ये स्टोरी लाइन सेम पेज पे चलेगी, फिर से ये सेम पेज पे मिल जाएंगे। तो देखो गाइस कोई करिश्मा होगा तभी जीत सकते हैं, लेकिन गुंथर के चांसेस है पूरे पूरे कि वो बैश इन बर्लिन में अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे, और ये चीज़ मान के चलो कि ये चीज़ होगी। तो गाइस माय फाइनल ब्रेक जुड़ी वो जुड़ी पैट मैकफी से। तो गाइस जब रॉ ऑफर चलेगी तो पैट मैकफी आते हैं, पैट मैकफी बोलते हैं कि वो आएंगे जनवरी में नेक्स्ट ईयर, जब रॉ जो है वो नेटफ्लिक्स पे चले जाएगी, एंड ये एक मूवमेंट है क्योंकि फुटबॉल में वो जाएंगे कमेंट्री करने, एंड यही रीज़न उन्होंने बताया कि जाने का, एंड उन्होंने कहा कि वो जाने वाले हैं मतलब फुटबॉल आने वाला है यूएसए में, आपको पता है वहाँ पर होता है सुपर बॉल, तो उसमें वो जाके पार्टिसिपेट करेंगे एंड गाइज कमेंट्री करेंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर आएंगे जब नेटफ्लिक्स पर रॉ चले जाएगी। तो दिस इज़ द लास्ट अपडेट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, थैंक यू सो मच।